मोदी सरकार के राज में नेशनल हाईवेज का कंस्ट्रक्शन 2017-18 में लगभग 10,000 किलोमीटर के उच्चतम समय पर पहुंच गया है। इसका मतलब है 28 किलोमीटर पर डे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। पिछला रिकॉर्ड 2016-17 में था 8,231 किलोमीटर का। दोस्तों, सड़क मार्ग का निर्माण किसी भी देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और आज हम जिस बिजनेस आइडिया को लेकर आपके पास आए हैं वो सड़क मार्ग के निर्माण से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इस बिजनेस आइडिया को आप अपने गांव से, अपने कस्बे से या अपने शहर से स्टार्ट कर सकते हैं और कमा सकते हैं अच्छा खासा पैसा। दोस्तों, आज हम जिस बिजनेस आइडिया को बताने जा रहे हैं वो एक कॉमन बिजनेस आइडिया नहीं है, बल्कि एक बहुत ही यूनिक एंड लेटेस्ट बिजनेस आइडिया है। आज जिस बिजनेस आइडिया को लेकर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो है रोड मार्किंग मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दोस्तों, आपने रोड्स पर, हाईवेज पर मार्किंग तो देखी ही होगी, व्हाइट कलर की या येलो कलर की। आज हम उसी मटेरियल के मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज के इस यूनिक बिजनेस आइडिया के बारे में। कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। नमस्कार दोस्तों, व्यापार मंच में आपका फिर से स्वागत है। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें इस बेल आइकन को। दोस्तों, रोड मार्किंग मटेरियल पुराने टाइम में यूज होने वाले कन्वेंशनल ऑयल का सब्स्टिट्यूट है, और इसका इस्तेमाल रोड पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। फिर चाहे वो मार्किंग डिवाइडर की हो, या जेब्रा मार्किंग हो, या फिर बम्प्स हो, इनकी टेक्निकल सुपीरियरिटी लॉन्ग लाइफ, ब्राइटनेस, रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज एंड ईज ऑफ एप्लीकेशन के कारण गवर्नमेंट और प्राइवेट यूजर्स के लिए ये बहुत ही प्रेफर्ड चॉइस है आज के टाइम में। इनफैक्ट सारे स्टेट ऑफ नेशनल हाईवेज के टेंडर्स में थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग मटेरियल को यूज करने का ही निर्देश दिया जाता है। इस तरह की सामग्रियों को विभिन्न प्रकार के रसायनों और खनिजों का उपयोग करके और भारतीय मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है। मुख्य आवश्यकता है हाइड्रोकार्बन रोल और रिफ्लेक्टिव ग्लास बीड्स की होती है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस मटेरियल का इस्तेमाल कहाँ होगा या इसका स्कोप कितना है। रोड मार्किंग थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को स्टेट एंड नेशनल हाईवेज, प्राइवेट बिल्डिंग्स, कॉलोनीज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स, एजुकेशनल कैंपसेस आदि में यूज किया जाता है। ये मटेरियल पोर्टेबल मशीन से रोड पर अप्लाई किया जाता है, एंड अप्लाई करने के टाइम ये मटेरियल बहुत गर्म होता है। मेनली दो रंग का मटेरियल मार्किंग के लिए यूज किया जाता है, सफेद और पीला। सफेद वाला रोड मार्किंग पेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, एंड पीले वाले का यूज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए होता है, जैसे कि बम्स के लिए। आइए जानते हैं कि इस बिजनेस की पोटेंशियल मार्केट क्या है। दोस्तों, हमारी सरकार हमारे देश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, और देश के लगभग हर हिस्से में रोड कंस्ट्रक्शन के लिए बजट से अच्छा खासा अमाउंट एलोकेट होता है। पर डे कंस्ट्रक्शन 15 किलोमीटर से 28 किलोमीटर पर पहुंच चुका है, तो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल की डिमांड भी उसी हिसाब से बढ़ी है। और सिर्फ न्यू रोड ही क्यों, जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं वो भी टाइम टू टाइम रीपेंट होती रहती हैं। और रोड कंस्ट्रक्शंस के अलावा इसका यूज कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स में भी तो किया जाता है। जैसे जैसे देश की जीडीपी बढ़ेगी एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ेंगी, वैसे वैसे ही थर्मोप्लास्टिक मटेरियल की मांग और ज़्यादा बढ़ेगी। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस बिजनेस के लिए आपको किस किस रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। इस बिजनेस के लिए जिन मेजर रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है वो है हाइड्रोकार्बन रेसिन, मिनरल पाउडर्स, ग्लास बीड्स, प्लास्टिसाइजर, लुब्रिकेंट्स, पिगमेंट्स एक्सेट्रा। हाइड्रोकार्बन रेसिन एंड ग्लास बीड्स को छोड़कर बाकी के सारे रॉ मटेरियल इंडिया में ही प्रोड्यूस होते हैं और आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। रेसिन एंड ग्लास बीड्स को इंपोर्ट करना होता है, जिसे आप चाइना, साउथ कोरिया, यूरोप एक्सेट्रा देशों से इंपोर्ट कर सकते हैं। आपका फाइनल प्रोडक्ट कितना कॉस्ट में तैयार होगा, ये मेनली इस बात पर डिपेंड करता है कि रेसिन और ग्लास बीड्स की आपको क्या कॉस्टिंग पड़ी है। आइए अब जानते हैं कि आपको इस बिजनेस के लिए कौन कौन सी अप्रूवल्स लेनी होगी। दोस्तों, पेंट इंडस्ट्री के लिए ऐसी कोई स्पेसिफिक स्टेटूटरी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, बट हाँ, आपको एमएसएमई एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आईईसी कोड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट्स एंड लोकल अथॉरिटी क्लियरेंस फॉर शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट फॉर फायर एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स एंड ईएसआई पीएफ लेबर लॉ का रजिस्ट्रेशन, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो इनकी जरूरत पड़ेगी। इस बिजनेस में आप कुछ और प्रोडक्ट्स को भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन एंड सेफ्टी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल साइनेज, क्रैश बैरियर्स एंड कैट आईज। दोस्तों, हाइड्रोकार्बन रेसिन सप्लायर्स सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि कैसे रोड मार्किंग मटेरियल को फॉर्मुलेट करना है। आप उद्यमी मित्र पोर्टल, जिसका लिंक www.udyamimitra.in है, को भी एक्सेस कर सकते हैं फॉर हैंड होल्डिंग सर्विसेज,
जैसे कि एप्लीकेशन फाइलिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, EDP, फाइनेंशियल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, मेंटरिंग एक्सेट्रा। रोड मार्किंग पेंट के प्रोडक्शन के लिए आपको इन मशीनों की जरूरत होगी: स्क्रू कन्वेयर, रिबन ब्लेंडर, वीविंग स्केल, लिक्विड पंप, शीव शेकर एंड लेबोरेटरी इक्विपमेंट फॉर टेस्टिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस पूरे बिजनेस को सेटअप करने की लागत क्या आएगी। तो दोस्तों, उद्यमी मित्र की प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो 77.11 लाख होगी, जिसमें 30 लाख की आपके लैंड, 20 लाख की आपकी बिल्डिंग, 15 लाख की आपकी प्लांट एंड मशीनरी, 1.5 लाख के आपके फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलेशन, 50 हज़ार की अदर एसेट्स एंड 10,11,000 की मार्जिन फॉर वर्किंग कैपिटल होगा। टोटल आपका 77,11,000। इस प्रोजेक्ट के लिए आपको किसी भी बैंक से फाइनेंस मिल जाएगा बहुत इजीली। इसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक आपको जो पहले साल का नेट प्रॉफिट होगा वो इस बिजनेस से लगभग 18 लाख रुपए का होगा और साल दर साल ये प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, जिस तरह से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत ही फास्टली ग्रो कर रहा है, उस हिसाब से इस बिजनेस का एक बहुत ही गोल्डन फ्यूचर है हमारे देश में। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें हमारी वीडियो को, जिससे कि ये बिजनेस आइडिया सब लोगों तक पहुंच सके। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।